रीवा शहर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक ज्योति स्कूल प्रबंधक से नाराज पिता स्कूल के बाहर धरने पर बैठे अपने बच्चों के साथ यह स्कूल किसी न किसी वजह से चर्चे में बना रहता है। रीवा शहर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक ज्योति स्कूल प्रबंधन से नाराज पिता स्कूल के बाहर अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठा। यह स्कूल किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। हम आपको बता दें, रीवा का ज्योति स्कूल रीवा शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। इसको लेकर कोई न कोई विवाद आए दिनों सामने आता ही रहता है। रीवा शहर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक ज्योति स्कूल में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, पिता सहित दोनों बेटे बैठे धरने पर। शहर के सबसे बड़े स्कूलों में से शुमार होने वाला यह स्कूल आए दिनों सुर्खियों में बना रहता है। ज्योति स्कूल प्रबंधन की मनमानी से छात्र व परिजन आए दिनों परेशान होते रहते हैं। यहाँ पर आए दिनों छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से अभिभावक भी परेशान होते रहते हैं। ऐसे कई मामले पूर्व में भी प्रकाश में आ चुके हैं। हालांकि अब तक प्रबंधन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनकी मनमानी लगातार जारी है। ऐसा हम नहीं, यहाँ पर पढ़ रहे छात्रों के परिजन कहा करते हैं। शुक्रवार को स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनको स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, जबकि सुबह बच्चों के पिता बच्चों को स्कूल छोड़कर गए थे। बच्चे स्कूल के अंदर थे। थोड़ी देर पर उनको फोन किया गया, आपके बच्चे स्कूल के बाहर हैं, आप उनको ले जाएं। छात्रों के साथ हुए अभद्र व्यवहार को देख पिता ने विरोध किया, तो प्रबंधन ने उनके साथ भी अभद्रता की और स्कूल के अंदर बच्चों को ना ले जाने की बात कही, जिससे नाराज होकर बच्चों के पिता प्रमोद स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पिता प्रमोद मिश्रा ने बताया कि उनके बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। प्रबंधन का कहना है, उनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, इसलिए स्कूल में नहीं रखा जा सकता। इस बात को लेकर उन्होंने अपने बच्चों की टीसी मांगी थी, लेकिन प्रबंधन ने अभी तक उनको टीसी नहीं दी। अब बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। पिता अपने दोनों पुत्र के साथ स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मामले की शिकायत समान थाने में भी की गई है। पिता का साफ तौर से कहना है, यहाँ पर जब तक एसपी कलेक्टर नहीं आएंगे मैं धरने से नहीं उठूंगा। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर धरने पर बैठे बच्चों के पिता प्रमोद का क्या कुछ कहना है, उन्होंने पत्रकारों को क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। आप गेट में स्कूल के धरने पर बैठे हैं, क्या मामला क्या है? मामला सर ये है कि मैं बच्चों को सुबह 7 बजे स्कूल छोड़ के गया। स्कूल से छोड़ के मैं घर पहुंचता हूं, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आने के बाद बोलते हैं, बच्चा मेरा बाहर गेट के बाहर से बोलता है, पापा मुझे फादर ने स्कूल से बाहर निकाल दिया है। और फिर मैं वहाँ से यहाँ विद्यालय आया, मैं पूछा क्यों निकाल दिए, बोले पता नहीं क्यों निकाल दिए। जब मैं विद्यालय में के अंदर, ये गार्ड लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे, फिर मैं ज़बरदस्ती गेट के अंदर गया। गेट के अंदर जाने के बाद फिर मैं उनको बोला कि मेरे बच्चों को बाहर क्यों निकाला आपने, अगर आपको निकालना था तो कैंपस के अंदर रखते आप और मुझे फ़ोन करके बुलाते आप, मुझे तो आपने किसी भी प्रकार का कोई फ़ोन किया नहीं। तो उनका कहना ये था कि आपका बच्चा बहुत झूठा है, बदमाश है, पढ़ता नहीं है ये, और फादर का कहना ये था कि बच्चे को इसको गेट के अंदर नहीं लेना है। यही सारी बातें करके फिर बोले कि बच्चे की टीसी हो गई है, टीसी हो गई है। तो मैं पूछा कि टीसी तो मुझे प्राप्त नहीं हुई है, हमने तो आपको आवेदन दिया है, अगर आवेदन हमने दिया है, अगर आपने उस पर कार्रवाई की है तो टीसी मुझे उपलब्ध कराइए, उपलब्ध तो आपने अभी तक कराया नहीं है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बच्चों का मेरा एडमिशन हो गया है अभी। और इसी यही सब बात हुई। बात होने के बाद फादर अंदर आए नहीं, उनके ही कर्मचारी और क्लास टीचर वगैरह आए सामने, मुझसे बात किए, बाकी किसी प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं प्रशासन से और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये विद्यालय करीब 8 साल से हम लोगों का, पेरेंट्स का खून चूस रही है, ना तो बच्चों को पढ़ाती है, बच्चे सिगरेट, दारू, गांजा, फालतू सीधी उल्टी सीधी बातें करते हैं। और ये अभी जैसे मैं कैंपस के अंदर आया, 200 बच्चे बाहर बैठे हुए थे, जैसे मेरा हल्ला सुने उसके बाद बच्चों को क्लास के अंदर लिया ये इन लोगों ने, और बच्चे बाहर बैठे थे। कोई बात हो पाई जी? मेरे साथ मेरी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हो पाई है और ना मेरे सामने अभी तक आए हैं वो। मांगे मेरी पूरी नहीं होंगी तो जब तक एसपी कलेक्टर यहाँ का प्रशासन नहीं आएगा तब तक मैं धरने से नहीं उठूंगा। प्रमोद कुमार मिश्रा।